गुड मॉर्निंग एवरीवन, व्हाट्स अप। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का वीडियो जो है आपको थंबनेल देख के तो पता चल गया होगा आज क्या होने वाला है वीडियो में। तो आज हम चलते हैं वेगस मॉल द्वारका, जो कि सेक्टर 14 में पड़ता है। तो चलो लेट्स अटेंड गो। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिलहाल अभी हम हैं अपने बड़े पापा के घर पर द्वारका सेक्टर 10 में। तो चलते हैं, आज प्यारा वीडियो इसी के साथ करते हैं शुरुआत। तो भाई उससे पहले ये देखो पापा ने कितना अच्छा काम किया भाई, कितना अच्छा। देखो इतने सारे पौधे लगा रखे इन्होंने, पूरा का पूरा पौधा लगा रखा, डेली पानी देते। फाइनली गाइज अभी जो है हम आ चुके हैं द्वारका सेक्टर 13 आपको सामने में, और गेट नंबर 2 से आप निकल के सामने में चेक करना, यहाँ पे है वेगस मॉल। चलो आज विजिट करते हैं और आपको घुमाते हैं कैसा मॉल है। सामने द्वारका सेक्टर 13 मेट्रो से उतर जाओ और सीधा गेट नंबर 2 से थोड़ा सा आगे निकलो, आपको दिख जाएगा बड़ा सा बिल्डिंग। अब चलते हैं आगे, इसके बाद आपको सीधा दिखाते हैं क्या क्या वहाँ पे है भाई। टोटल चीज़ जो है ना आज एक्सप्लेन कर देंगे पूरा वीडियो में। गाइस फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं वेगस मॉल के पास, और ये लोकेशन चेक करो कितना झकास सा इधर पार्किंग एरिया इस साइड में। आगे में कई फोटो अच्छे तरीके से खींचने के लिए बनाया गया, उसको भी आइए आपको हम दिखाते हैं अच्छे तरीके से। आ जाओ लेट्स सेट एंड गो। तो आप ये चेक करो, यहाँ पे आप फोटो स्पॉट इसको कह लो भाई, यहाँ पे आप फोटो क्लिक करवा सकते हो। कुछ कुछ हम भी क्लिक करवाएंगे, लेकिन अंदर जाने के बाद। आ जाओ आगे। तो फाइनली गाइज अभी जो है हम अंदर गए थे, तो अंदर से जो है कैमरा देख करके मुझे बोला गया कि आप कैमरा यूज, पहले तो मतलब एक पंगा हो गया भाई बहुत बड़ा, और उसने बोला कि कैमरा दे देते पुलिस वाले को। मैंने कहा भाई मैंने मर्डर नहीं किया, बुला लो पुलिस वाले को भाई, कोई मुझे बोलेगा तब तो, किस काम के सिक्योरिटी गार्ड हो। तो उसने बोला कि भाई देखो अंदर का वीडियो नहीं बनाना है, आप कैमरा से नहीं बना सकते, बनाना तो फ़ोन से बनाओ। तो इस सिचुएशन को देखते हुए ना आपका भाई जो है अभी फ़िलहाल ये सजेस्ट कर रहा है, नहीं फ़ोन जो है ना अब आईफोन पकड़ना पड़ेगा भाई, बिकॉज मैं नहीं सोचता हूँ आईफोन सही, गोप्रो सही था। बट यार कैमरा देख के ना पता नहीं क्या होता है इनको, खुद से बोलेंगे भाई कैमरा मत चलाओ भाई, क्या है क्या इसमें, कौन सा मैं मतलब क्या कर रहा था। बट सही है, चेकिंग वेकिंग पूरा लगा हुआ है। अभी 15 अगस्त आ रहा है, जिसके कारण तो हमें अंदर का वीडियो बनाना मना कर दिया गया, तो उससे हमें कोई इशू नहीं है। बाकी हम बाहर से दिखाते हैं, अंदर तो जाएंगे, कैमरा को कहीं रखवा देते इसके बाद। ये 3D गेम खेल रहा है, इनको कुछ भी पता भी नहीं चल रहा है, ये गेम चल रहा है ना। हाँ ये आंखों पे लगा हुआ है, इनको पता नहीं क्या हो रहा है, ये फील्ड में अभी। हाँ गजब, पता नहीं नहीं ये आंखों। ये देखो यार कितना तगड़ा सा लोकेशन है भाई, ऑसम मॉल है यार। अभी हम नीचे जा रहे हैं फाइनली, थोड़ा बहुत ही घूमना था, घूम भी आपको ब्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट करके बताते रहे हमारा। अभी हम आ गए फूड वाले पे, यहाँ पे खाना वाना का पूरा फ्लो रही है। मतलब गाइस सोचो बच्चों के अंदर कितना क्रेज है गेम का, एक पूरा मॉल का एक फ्लोर ही गेम के लिए बनाया गया। अगर आपके साथ कोई बच्चे तो आओ विजिट करो। चाहे जो भी बोलो भाई पारू है भाई, पारू मॉल। ये देखो भाई क्या मॉल है यार, ऑसम सा भाई। चेक करो कितनी रानी भाई, जाओ यार कुछ अलग ही सीन हो रहा है यहाँ पे। ये देखो भाई ये 3D गेम गाइस, मज़ा आ रहा है ना पूरा एकदम सा। देखो ढासू सा लोकेशन देखो भाई, आओ यार विजिट करो फ्री में तो आना। बहुत मशक्कत के बाद कुछ वीडियो फोन से शूट हुआ, और इसके बाद जो है ना भाई आज मतलब पूरा अच्छे तरीके से हमने कवर कर पाया। मतलब भाई बहुत ज़्यादा अंदर में बिल्कुल कैमरा अभी नहीं चलाना है, बिकॉज़ 15 अगस्त आने वाला है, इसके चलते मतलब फुल सिक्योरिटी दे रखा और किसी को प्रॉब्लम हो सकता है। बट यार जो भी कहो अंदर जाने के बाद ना, मतलब मैं बाहर में जब था तो मुझे लग रहा था मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, बहुत अच्छा,
मर गया ना भाई, मुझे ऐसा लगा मतलब मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है भाई। सारे पैसे वाले लोग थे और हम ठहरे छोटे लोग, बट अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो एक दिन बहुत बड़ा मकाम भी हासिल हो जाएगा। विजिट किया, मज़ा तो आया, मैंने किसी भी सामान को छुआ तक नहीं है। मतलब भाई देख के इतना लग रहा था भाई क्या हालत, मतलब सारा ब्रांड था, जोकी फोकी जो भी होता है ना भाई, सारे के सारे ब्रांड के अंदर आपने देखा होगा, वीडियो देख लिया अगर तो। बट यार कभी अगर दिल्ली आओ, मतलब इतना नियर में इतना अच्छा सा चीज़ था, मुझे पता नहीं था। मैंने गूगल पे सर्च किया कि टॉप 5 प्लेस इन द्वारका, तो मुझे सबसे पहले ये आया, आपको यहाँ जाना चाहिए। तो मैंने कहा चलो भाई जो होगा देख लेंगे। अच्छा लगा, बेहद सही था भाई मुझे। अभी मैं बाहर में हूँ, इस साइड में जो है ना ये पार्क वार्क है थोड़ा सा उसी मॉल का। बट यार जो मतलब अंदर जाने के बाद जो खुशी मिली ना, बहुत खुशी का भाई। मतलब यहाँ अगर आप 1-2 लाख, 3 लाख, 4 लाख कितने भी रुपए लेके आ जाओ, अब घंटे नहीं लगने वाले यार, घंटे लिख के दे रहा हूँ, घंटे नहीं लगेंगे, ख़त्म हो जाएगा। ये देखो अभी ये मेट्रो स्टेशन, हमें आगे चलना है, तब वहाँ से फिर मेट्रो पकड़ेंगे, फिर जाएंगे घर पे सेक्टर 10। तो चलो एंजॉय कर रहे हो तो करो, मज़ा आया कि नहीं व्लॉग देख के। इतना बड़ा मॉल, मतलब मेरी लाइफ का शायद ये फर्स्ट विजिट मॉल था जिसको कि मैंने अभी विजिट किया फर्स्ट टाइम। अबे साला मतलब आउटस्टैंडिंग भाई, नो एक्सप्लेन, नहीं बता सकता मैं आपके साथ, बयां ही नहीं कर सकता कि कौन सा फीलिंग था मेरे अंदर में। मतलब यार बहुत अच्छा लगा मुझे अंदर जाके, मुझे समझ में आया भाई कि दुनिया क्या है। मतलब आई फील लाइक मैं लग रहा था दुबई में हूँ उस तरीके का। और अभी तो ये कुछ भी नहीं है भाई, इतना इससे भी बड़े बड़े मॉल्स हैं, आप दिल्ली में आके देख सकते हो कभी भी। बट एक बात है, अगर मेरे अनुमान से ये देखो भाई, पूरी की पूरी गाड़ी जा रही है, जब्त हो गए, ठीक है। सपोज़ द्वारका आ गए, अगर तुमने ये विजिट ना किया ये मॉल, तो फिर बेकार का द्वारका में आए हो भाई, तो बेकार का, बिल्कुल बेकार का है। तो अगर द्वारका आते हो ना भाई, तो इसको विजिट करो। बाकी चलो आगे मिलते हैं सीधा। सर कितने सारे इधर बर्ड्स हैं देख रहे हो, ओ भाई साहब, ओ हो हो, मैं आके गलत कर दिया यार, सबको उड़ा दिया। तो गाइस फाइनली अभी क्या हो रहा है ना, धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी अभी पड़ रही है दिल्ली में। शाम के 4:30-5 बजने वाले पर धूप इतना है ना कि आप चल नहीं पाओगे। तो अभी मैं छाँव में आया था और अब मैं आपके साथ एक डिस्कशन करता हूँ। अभी वहाँ पे तो ओपनली बोल नहीं पा रहा था मैं, तो थोड़ा सा आपको डबिंग भी मिला होगा, बट अभी मैं आपको बताता हूँ एक सबसे रहस्यमय बात। अगर आपके पास बच्चे हैं उसको लेके जाओ, उनके लिए एक पर्सनल फ्लोर बना रखा है। अगर आपके पास कोई पेटू है ना भाई, मतलब आई थिंक जिसको बहुत ज़्यादा भूख लगता है, तो आप उसको भी लेके जा सकते हो, उसके लिए भी आप पर्सनल फ्लोर बना रखा। आप मतलब सपोज़ बहुत ज़्यादा ठूसने वाले हो तो भाई आ जाओ, चले जाना ऊपर में। अगर आपको ज़्यादा पसंद है खिलौने, उसके लिए पर्सनली प्ले गेम्स का एक पूरा फ्लोर बना रखा, मतलब हर चीज़ का भाई, कपड़े का एकदम सबसे नीचे पे ही पर्सनली फ्लोर बना रखा। वो आइसक्रीम वाला देता है ना कन्फ्यूज़ करके, पकड़ाता खींच लेता, फिर पकड़ाता हाथ में, फिर खींच लेता, उसके लिए भी पर्सनली पूरा का पूरा फ्लोर बना रखा। मतलब यार सब कुछ है यहाँ पे, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। मुझे तो ये यकीन नहीं था मतलब इतना अच्छा सा होगा, बट यार है भाई, बहुत बड़ा मॉल है दिल्ली में एक, इसके भी बड़े बड़े मॉल्स में नाम आते हैं। अब अगला वीडियो जो आने वाला है वो शायद सेंट्रल सिटी का आएगा, और आप ये हमें बताते रहना कि आपको मतलब चाहिए या नहीं चाहिए मॉल्स का ब्लॉग्स, मॉल का जो रिव्यू होता है वो चाहिए। अगर आप दिल्ली से हो तो विज़िट करो, या आप किसी भी स्टेट से हो, बिहार से हो, औरंगाबाद से हो, कहीं से भी हो, अगर आप यहाँ पे आते हो ना भाई, तो दिल्ली में द्वारका में आते हो, तो एक बात मैं बता रहा हूँ, ये मॉल बिल्कुल मत भूलना, यहाँ पे आना, विज़िट करना। टोटल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, प्रॉपर एड्रेस दिया हुआ है, कौन से मेट्रो स्टेशन से आना है, कौन से सेक्टर से कहाँ से उतरना, गेट नंबर कहाँ से उतर के कहाँ जाना है, अंदर में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, टोटल चीज़ आपको मिल जाएगा। तो चलो बाकी सब कुछ तो आपको पहले ही वीडियो में देख रखा है, लेट्स इट गो। अब चलते हैं मेट्रो स्टेशन, उसके बाद चलते हैं सीधा घर। वीडियो तो कुछ भी नहीं, मारुति की गाड़ी है, सबसे चलान चलना है, तो मुझे दिक्कत।